हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मजना भारद्वाज फिटनेस व्लॉगर। तो दोस्तों, रोज की तरह मेरे चैनल में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और भाई, आपकी डिमांड पे आ गई है एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज की वीडियो, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि मैम, मैं ना अपना मेरा जो साइड फैट है बहुत ज्यादा निकल गया है और मेरा पेट इतना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है कि मैं कोई, आप बोलते हो, इतना झुकू, मैं इतना नहीं झुक पाती हूँ, मेरी तोंद जो है वो आगे आ जाती है और मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, आज मैं आपको बेली फैट के लिए एंड साइड के टायर्स के लिए, इवन वो हमारा फुल बॉडी टोंड करेगी, फुल बॉडी फैट लॉस करेगी, इतनी ज्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं रोज आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड सिंपल इजी एक्सरसाइज करवाने। तो दोस्तों, जब भी अगर आपका बहुत ही ज्यादा हैवी वेट है, आप 70-80-90 किलो के, 100 किलो के हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डिनर छोड़ दो। डिनर में ओनली फ्रूट या सैलेड खाओ, वो भी आपको 7 बजे से पहले पहले अपने फ्रूट और सैलेड कंप्लीट कर लेने हैं। रात को आप डिनर छोड़ दो बिल्कुल, मतलब अगर नहीं रह सकते हो आप बिना डिनर खाए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, भूख लगती है, तो आप कुछ चीला वगैरह खा लो, ओट्स की खिचड़ी, चावल की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, इस तरह का सिंपल सा हल्का सा खाना खाओ, वो भी आपको 6:30 बजे तक खा लेना है, तो आपको जो है बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बट बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा अगर आपका हैवी वेट है तो आप फ्रूट्स अगर सैलेड में गुजारा कर सकते हो तो कोशिश करना, नहीं तो धीरे धीरे जब आप खाते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको खुद ही रात को कुछ खाने का मन नहीं होगा। तो ऐसा करना है, आपने रोज घर का खाना खाओ, ठीक है, आप अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे करो, आप चाय वगैरह पी सकते हो आप इससे पहले, जो है आपको फुल क्रीम की चाय नहीं पीनी, टोंड दूध की चाय पीनी है जिसमें आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं डालनी। आपको पता है कि जितनी हम शुगर इंटेक करते हैं उतना ही हमारा मोटापा बढ़ता है, तो अगर आपका बहुत हैवी वेट है तो कुछ टाइम तक आप शुगर की जगह हनी ले लीजिए, इस तरह से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, या गुड़ की चाय पीजिए, अगर नहीं रह सकते चीनी के बिना तो थोड़ी सी कम चीनी डालिए। तो आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, 9 बजे तक अपना नाश्ता कर लो, जो भी आप खाते हो, परांठे मत खाओ, मैदे वाली चीजें मत खाओ, और लंच में दाल चावल जो भी आप खाते हो, दाल चावल सैलेड खा के एक प्लेट भर के ना सैलेड काट लो, खीरा वगैरह टमाटर वगैरह उसमें होनी चाहिए, और दाल चावल सब्जी रोटी खाओ आप दोपहर को, जितना हो सके उतना पेट भर के खाना खा सकते हो आप। बट मॉर्निंग का और डिनर का आपको क्या करना है, हल्का खाना खाना है, ज्यादा आपको हैवी डिनर नहीं करना है, और मैदे वाली तली हुई चीजें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत खाओ, वो हमारा सबसे ज्यादा वेट बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मेरा वेट बढ़ने लग गया था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, बट मैंने उसको 2-3 दिन में मैं अपना वेट कम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं एक्सरसाइज रोज करती हूँ और मैं डिनर जो है डिनर की जगह फ्रूट्स ले लेती हूँ, प्लेट भर के फ्रूट्स या सैलेड खा लेती हूँ, तो मेरा वेट कम हो जाता है। बट आपको ये नहीं भूलना है कि एक्सरसाइज आपको रोज करनी है, एक्सरसाइज किए बिना आपने नहीं रहना है, चाहे आप 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधे घंटे की एक्सरसाइज करो, पर आपको बॉडी मूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही वेट बेली फैट है नहीं कम हो रहा है, नहीं झुक सकते नीचे तक, आपने क्या करना है, इस तरह से खड़े हो जाओ, हाथ ऐसे लिए, ऐसे 1, 2, 3, 4, देखो जितना आपने आगे जाना है उतना आपने पीछे जाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं जाना है, जितना भी आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपने करनी है। ये हमारा बेली फैट बहुत जल्दी बर्न कर देती है, इवन ये हमारा आर्म्स फैट फुल बॉडी फैट लॉस करती है। तो शुरू हो जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40।
तो देखा मैंने इसके लगातार जो है 40 सेट कर लिए, आप 30 भी कर सकते हो, थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हो। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैंने 30 कर लिए, ओके आप 40 कर लिए, आप 30 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से करेंगे, थोड़ी सी रेस्ट हमने ले ली, देन इस तरह से आप मोड़ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो दोस्तों मैंने इसके जो है 80 सेट कर लिए, आपको स्टार्टिंग में इसके 100 तक करने हैं, 100 तक करो जो भी एक्सरसाइज है। ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें ना कोई आपको जंपिंग करनी है ना कोई ज्यादा झुकना है, इसके आप 100 सेट इजीली कर सकते हो। आप 20-20 के सेट लेके भी कर सकते हो, 30-30 के सेट लेके भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल एंड ईजी एक्सरसाइज है ये। ओके, थोड़ी सी रेस्ट, ब्रीद आउट। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही खड़े हो जाना है, फिर से टांगे फिर से स्टिच कर लेनी है, हाथों को जैसे हमने पहले मोड़ा था वैसे मोड़ लेना है। वन, देखो आप जब ऐसे करोगे, 1, 2, 3, 4, आपके इस साइड बहुत ही ज्यादा प्रेशर दबाव फील होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है ना, इससे हमारे साइड के टायर जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ऐसे कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत ही सिंपल है, कर पाओगे इजीली आप, ठीक है। ओके, टेक सम रेस्ट, फिर से दोबारा से करेंगे, हाथ ऐसे मोड़ लो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा ना अगर फास्ट करना चाहो तो फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा स्लो में किया, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फास्ट करूंगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो दोस्तों मैंने इसके लगातार 40 सेट किए, ठीक है। फास्ट फास्ट करोगे तो फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, स्लो स्लो करोगे रिजल्ट आपको तब भी मिलेंगे, ठीक है। इसके भी आपको 100 करने हैं, ये आपका साइड के टायर्स बोथ बेली फैट आर्म्स फैट सब बर्न करती है। ओके, अब हम थर्ड वाली करेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर से खड़े हो जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, नीज को थोड़ा सा बेंड करना है, ज्यादा बेंड करने की जरूरत नहीं है, फुल बॉडी फैट लॉस होगा इससे, बैली साइड सब बर्न। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। मैंने इसे कंटिन्यू कर लिया 20 सेट, आप 20 कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हो। ओके, विदाउट अपनी अपना जो वर्कआउट है आप आराम आराम से कर सकते हो, 1-2 मिनट की अच्छे से रेस्ट ले सकते हो। कंटिन्यू एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, असर आपको तब भी होगा अगर आप थोड़ा सा रुक रुक के भी करेंगे। बॉडी को ना ज्यादा प्रेशर नहीं देना, जितने आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना करो आप, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी आप सारा वर्कआउट बहुत इजी से कर सकते हो। ओके, ठीक है। 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो मैंने इसके टोटल किए 40 सेट। अगेन आपको इसके 100 करने हैं, नहीं कर पा रहे हो बहुत ही हैवी वेट है, 50 करो स्टार्टिंग में। 50 ठीक है, 100 150 बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। बेली फैट साइड फैट फुल बॉडी फैट बस होगा, ठीक है ओके। अब आपने क्या करना है ना, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है बट कई ये भी बोल रहे हैं कि मैम इतना नीज ऊपर नहीं झुका सकते, जितना भी आप ऊपर कर पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा ऊपर करना है यार आपको, बहुत जल्दी आपका बैली जो ना कम हो जाएगा इससे। लास्ट में इसके पहले ना 50 सेट 100 सेट कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे 50 इनफ है, देखना आपका बैली फैट खुद ब खुद अंदर जाएगा। एक बार ना मेरे साथ आप 50 कर लो इसके, शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपल वर्कआउट फॉर बैली फैट, फुल बॉडी फैट ऑफ करेगी, टाइट भी बर्न कर देगी। आप जरूर बताना मेरा आज का वर्कआउट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।